ये मालवा की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के लिए। और ये मालवा की तरफ सर उठाने का दुस्साहस करने के लिए। क्षमा करो, हमें क्षमा करो, क्षमा। कविता लिखने का बहुत शौक है ना तुम्हें? अब ले चार चांद, अगर सुर में नहीं चीखेगा ना तो और मारूंगी। अब कभी ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन मैं ऐसे ही करूंगी। और ये छोटे से पिताजी को जख्म देने के लिए। और ये मेरे बेटे को तकलीफ पहुंचाने के लिए। ईश्वरी सिंह, बहुत शौक है ना तुम्हें गर्दन उड़ाने का, लेकिन तुम तो मिट्टी की गर्दन काटते हो। असली गर्दन काटने के लिए जिगरा चाहिए, जिगरा। और ये एक माँ की ममता को ललकारने के लिए। अहिल्या शांत हो जाओ, इसे सजा मालवा का कानून देगा। अहिल्या, मालवा की दंड प्रणाली देगी। ईश्वरी सिंह, तुझे सजा देना एक मिसाल बनाया जाएगा। ताकि इसके बाद कभी भी कोई भी गलती से भी मालवा की तरफ आंख उठाकर देखने की गलती भी ना करे। पहले ऐसा मत करना, शांत हो जाओ। काल से तुम्हारा सामना मालवा की काल कोठरी में होगा। ईश्वरी सिंह, अक्का साहब, आज जो मुख्य कक्ष में हुआ वो बहुत भयानक था। मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। अगर वो निमाजी नहीं होते तो न जाने क्या हो जाता। हम भी वही सोच रहे हैं अर्कू भाई साहब, कि इतने सैनिक, कितने कर्मचारियों के बावजूद भी हम पर, अक्का साहब, बिना किसी मिली भगत के किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। तो आपको लगता है कि हमारे वाड़े के अंदर से ही कोई? लेकिन कौन? बड़ी सासु भाई, आपका शक बिल्कुल जायज है। हमें भी संदेह है, वाड़े की सुरक्षा में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक अवश्य है, वरना किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि आप पर हमला कर सके। कसम शिव शंभू की, अगर हमारी नसों में सच्चा लहू बह रहा है तो वो कोई भी हो, उसकी गर्दन आपके कदमों में लाके रख देंगे हम। आप बिल्कुल चिंता ना करें, बेफिक्र रहें, मालवा की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। आप बस अपना ध्यान रखें। आप बस ये समझ लीजिए कि एक पुत्र अपना कर्तव्य निभा रहा है। आप विशेष तौर से अपना ध्यान रखें बड़े सासू भाई। सावे साहिब, सासु भाई, आप जो कर रहे हैं और आपकी जो सोच है उसकी हम सराहना करते हैं। सवाई साहब, मालवा से हमारा रिश्ता पानी की तरह साफ और सरल है। हाँ, हमसे एक भूल हुई है, लेकिन हमारे मन में कोई छल नहीं है। आप बस ये समझ लीजिए
कि मालवा के प्रति अपनी निष्ठा को साबित करके प्रायश्चित करना चाहते हैं हम अपनी भूल का। बस बड़ी सासुबाई, अगर आपकी इजाजत हो तो वो निमा जी को। आप निश्चिंत रहिए, जब तक खंडेराव वापस नहीं आ जाते नीमा जी को आप मेहमान कक्ष में ठहराइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने कभी अपनी जान की परवाह नहीं की। अगर उस वक्त मैं कुछ करती ना मालेराव, तो तुम्हारी और तुम्हारी बाबा साहेब की जान खतरे में पड़ जाती। मेरी कमजोरी है तुम्हारी जान, मेरे परिवार की जान, समझे तुम? बहुत अच्छे निभा जी, ये रहा आपका इनाम। बहुत बहुत धन्यवाद गुनो जी सरदार, आगे चलता हूं। जावई साहेब, देर सवेर ही सही, आपने अक्का साहेब के मन में अपना स्थान बना ही लिया। हाँ सासू भाई, लेकिन इसका ज्यादातर श्रेय निमा जी को जाता है। सही कह रहे हैं, लेकिन उम्मीद है इस बार कोई चूक नहीं होगी। हम आपसे ज्यादा नीमा जी पर भरोसा कर रहे हैं। लेकिन सासू भाई आप। प्रणाम रानी साहब। बड़ी सुबेदारनी जी ने संदेशा भेजा है, छोटी रानी और छोटे सुबेदार जी ने राजकुमार मालेराव को बचा लिया है और वो कल सुबह वापस आ रहे हैं। मतलब बाबा साहेब और ईश्वरी सिंह के साथ मिलकर बनाई हुई योजना धराशायी हो गई। नसीब जोरों पर है खंडेराव के परिवार का, कोई बात नहीं, एक चाल से छूटे तो क्या हुआ, दूसरा चाल बिछा कर रखा है तुम्हारे लिए। निमा जी गौर से देखिए, खुद को चीता समझे या अजगर, लेकिन तुम्हारा शिकार यही है, मालवा के छोटे सूबेदार खंडेराव होलकर। लेकिन मुझे जो भी करना है उसके लिए छोटे सूबेदार जी के नजदीक जाना बहुत जरूरी है। निमा जी तुम्हें नहीं पता,
राजनीति में मौका प्रस्त होने से भी ज्यादा आवश्यक है मौका ढूंढ लेना। और अगर मौका ढूंढने के बाद भी ना मिले तो मौका बना लेना। अब मौका ढूंढने पर मिले या बनाने पर तुम्हें खंडेराव के पास जाने का मौका अवश्य मिलेगा। बस अपनी तैयारी पूरी रखना। ये सब जो भी हुआ वो आई साहब की वजह से हुआ। और अगर वो मुझे उसी समय वहीं बचा लेती तो ये सब कुछ होता ही नहीं। मुझे दुश्मन के कब्जे में देखने के बाद भी वो मुझे वहीं छोड़कर चली गई। वो इसीलिए माले रहो क्योंकि तुम्हारी आई साहब सही समय का इंतजार कर रही थी। किसी भी युद्ध नीति में समय की सही पहचान और उस समय का सही उपयोग माले रहो एक योद्धा के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। हम जो कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनो। एक कदम आगे तो कभी दो कदम पीछे की रणनीति अपनाकर चलना पड़ता है मालेराव। हर समय केवल वार करना काफी नहीं होता। कभी कभी एक कदम पीछे हटके वार को बचाना भी पड़ता है। तुम्हारी आई साहब का तुम्हें वहां देखकर पीछे हट जाना उसी रणनीति का हिस्सा था और उन्होंने वही किया मालेराव। लेकिन गलत किया। अगर उसी बीच मुझे कोई मार देता तो मार देता क्या? वो तो बस मुझे मारने ही जा रहा था। नहीं मालेराव। नहीं बाबा साहब, आई साहब ने जो भी किया वो गलत था और उसके लिए मैं उन्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। मालेराव, मालेराव, बाबा साहब अब तो बहुत चोट लगी है। हाँ मुक्ता, लगी तो है। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना ऐसे ऐसे तरह से उसे खूब मारूंगी जिसने आपको तकलीफ दी है। आइए आपको लेप लगा कर देती हूँ। क्या हुआ? अंदरूनी चोट लगी है अहिल्या, बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, आप अभी जख्म पर मलहम लगा लीजिए, मैं वैद्य जी को बुलावा भेजती हूँ। तो जादू है अहिल्या, हर दर्द को इतनी आसानी से खींच लेती हूँ। हो सकता है लेकिन खुद अपने दर्द से छुटकारा नहीं मिल रहा। क्या हुआ अहिल्या, कहीं तुम्हें भी चोट लगी है क्या? छोटी सो पिताजी, आपको तन पर अंदरूनी चोट लगी है और मुझे मन में अंदरूनी चोट लगी है और वो चोट कोई और नहीं, मेरा अपना बेटा मालेराव मुझे देता है। हर पल हर घड़ी जितना मैं उसके करीब जाने की कोशिश करती हूँ न जाने से किसी ना किसी बात की गलतफहमी क्यों हो जाती है और वो मुझे ही गलत समझ बैठता है।
ऐसा क्यों होता है छोटे सुबेदार जी? बाहर की लड़ाई में तो जीत जाती हूँ, लेकिन घर की लड़ाई में मैं हार ही जाती हूँ। हे शिव शंभू, इतने घाव दिए उस राक्षस ने। आई साहेब, थोड़ी अंदरूनी चोट भी है। सासू भाई, मैं वैद्य को बुलवाती हूँ। नहीं पार्वती, रुको, वैद्य जी को नहीं, नीमा जी को बुलाओ। कुनो जी सरदार, बड़ी रानी साहिबा ने नीमा जी को छोटे सूबेदार जी के कक्ष में बुलाया है। भेज रहे हैं। नीमा जी, हमने आपसे कहा था ना कि आपको ये अफसर बहुत जल्दी मिलेगा, चाहिए? और हाँ, अपना शस्त्र अपने साथ ले जाना मत भूलिएगा। चाहिए। खंडेराव, आज से तुम्हारी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू। खंडेराव, ये है नीमा जी जिनके बारे में हमने आपको बताया था। ये जितने बलशाली बहादुर और मालवा के प्रति निष्ठावान हैं, उससे भी अच्छे वैद हैं। आई साहब ने बताया हमें आपके बारे में, आपने जो कुछ भी किया हम उसके लिए आपके बहुत आभारी हैं। मैं तो सेवक हूँ छोटे सूबेदार जी, अगर आप सेवा करने का मौका दे। बताइए, आपको कहाँ दर्द हो रहा है? ये यहाँ इस तरफ आइए। दिखाइए, जरा संभाल कर। यहाँ पे दुख रहे, थोड़ा ऊपर। यहाँ छोटे से बता जी, खड़े रहो, आराम से। माफ कीजिएगा, आप सब लोग बाहर जा सकते हैं। नहीं, मैं यही रुकूंगी। से हमें वैद्य जी को बुला लेना चाहिए, इतनी पीड़ा तो नहीं होगी। अहिल्या, तुम खमखा चिंतित हो रही हो, कोई बात नहीं, सब ठीक है, आप कीजिए। क्या तब तक आप थोड़ा सा गर्म दूध ला सकते हैं? लाइए, दिखाइए अपना हाथ।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.